ऑनर ब्रांड एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है 16 अक्टूबर को। वैसे कुछ दिन बचा हुआ है लॉन्च के लिए, लेकिन मैं आपको इस हैंडसेट का अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। ये है ऑनर 8X। ये है ऑनर 8X जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको इस हैंडसेट के कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है ऑनर 8X जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च होगा 16 अक्टूबर को। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग होगी और ये जो हैंडसेट है ये बढ़िया हार्डवेयर के साथ में तो आएगा ही। इसका जो प्राइस है मुझे लगता है वो भी काफ़ी बढ़िया होगा। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो ये लीजिए, इस बॉक्स को मैंने खोल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ आपकी नज़र में आएगी वो है ये हैंडसेट। ये है ऑनर 8X जो अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, और अगर आप पीछे से देखें तो बहुत ही अलग किस्म का दिखता है। फिलहाल इसे मैं साइड में रख देता हूं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें इस हैंडसेट के अलावा क्या क्या मिलता है। आपको ये डब्बा मिलता है और इस डब्बे को खोल देता हूं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। ये लीजिए, इस डिब्बे को मैंने खोल दिया है। इस डिब्बे के अंदर कुछ बुकलेट्स हैं, आपको सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी मिलता है, इस प्रकार का है। इसमें आपको सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये देखिए। और ये जो दूसरा बुकलेट है ये वारंटी कार्ड है। बॉक्स में एक सिलिकॉन केस भी है, अगर आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस है। बॉक्स के अंदर आपको ये डेटा केबल भी मिलता है, ये है USB 2 माइक्रो USB डेटा केबल। और जो अंतिम कॉन्टेंट है वो है ये ट्रैवल चार्जर, ये है 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स का। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलेगी। ये है ऑनर 8X और ये हैंडसेट इस प्रकार का दिखने वाला है। दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होगा। ये जो ब्लू कलर है खास करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देख सकते हैं कि लाइटिंग कंडीशंस में ये किस प्रकार से इफेक्ट्स दे रहा है, ये देखिए। पीछे ग्लास टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है, AI कैमरा लिखा हुआ है यहाँ पर और ऑनर लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो शब्द है ये लैंडस्केप मोड में लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि इस हैंडसेट में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और डुअल कैमरास है पीछे की तरफ। बिल्ड और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको याद होगा ऑनर 7X काफ़ी अच्छा चला था और ये जो 8X है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसे सिमेट्रिकल लुक दिया हुआ है, पीछे एक ग्लास टाइप फिनिशिंग है और आगे ग्लास है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर राइट हैंड साइड पर है। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन मिलता है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है। नीचे की तरफ स्पीकर आउट वेंट है, माइक्रो USB पोर्ट है, माइक्रोफोन है और ऑडियो जैक है। चलिए मैं सिम ट्रे जो है उसे इजेक्ट कर लेता हूँ और देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट्स दिया हुआ है, मतलब कि आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड का एक साथ उपयोग कर पाएंगे। यह हैंडसेट EMUI रन कर रहा है जो एंड्रॉयड ओरियो बेस्ड है। हार्डवेयर की अगर बात करें तो इसमें किरीन 710 ऑक्टोकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। और डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, मतलब कि आपको 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है नॉच के साथ में। पीछे की तरफ 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के डुअल कैमराज है और जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें 3750 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है। इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू मैं 16 अक्टूबर को लेके आऊँगा, जब ये हैंडसेट ऑफिशियली लॉन्च भी हो जाएगा और इसका जो प्राइस है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, रिव्यू का इंतज़ार कीजिए। 16 अक्टूबर को ये हैंडसेट लॉन्च होगा, तब मेरा रिव्यू भी आ जाएगा। तो ये हैंडसेट आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।